मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज झालाना में लेपर्ड सफारी की। सफारी में उषा शर्मा के पति रिटायर्ड आईएएस बीएन शर्मा भी मौजूद रहे। उषा शर्मा ने झालाना में सफारी में प्रवेश करते ही सबसे पहले मादा लेपर्ड जलेबी की साइटिंग की और इसके बाद एक नंबर रूट पर 3 नंबर वाटर पॉइंट पर उन्होंने लेपर्ड बहादुर की साइटिंग की और इससे पहले उनका झालाना लेपर्ड रिजर्व पहुँचने पर उनका मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर और डीसीएफ कपिल चंद्रवाल, एसीएफ बाला मुर्गन और रघुवीर मीणा और रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी ने स्वागत किया। उन्हें जंगल कैप भेंट की और लेपर्ड की तस्वीर भी भेंट की गई है। उषा शर्मा ने एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर का भी मुआयना किया। बहुत रोमांचक एक्सपीरियंस था और ऐसा लगा नहीं कि हम जो है शहर से इतना पास होके एक जो है सेंचुरी में हम लोग जो है लेपर्ड की साइटिंग के लिए आए हैं और हम लोग लेपर्ड की साइटिंग कर पाए और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का राजस्थान के लिए और मैं समझती हूँ कि देश में अकेला एक ऐसी राजधानी राजस्थान में है जो इस तरह का एक्सपीरियंस टूरिस्ट को करवा रही है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए सीएस उषा शर्मा अपने पति के साथ लेपर्ड की साइटिंग करने के लिए पहुंची। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, आम लोगों को तो हम देखते हैं लेपर्ड्स की साइटिंग करने के लिए पहुंचते हैं लेकिन आज सीएस अपने पति के साथ साइटिंग करने के लिए पहुंची और क्या जानकारी? निश्चित रूप से देखिए दीपिका, झालाना लेपर्ड रिजर्व एक मिसाल बन गया देश दुनिया के अंदर कि कैसे वाइल्ड लेपर्ड्स को शहर के बीच में देखा जा सकता है जी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अनुभव था और लगातार इस बात की कोशिश हो रही थी पिछले 15 दिन से इस तरह के तैयार किए जा रहे थे इस तरह की योजना की कब मुख्य सचिव उषा शर्मा आएंगी। वो 2 बार पहले भी आना चाहती थी लेकिन व्यस्तता के चलते नहीं आ पाई। आज आखिर उनका प्रोग्राम यहाँ तय हुआ और वो अपने पति रिटायर्ड आईएएस बीएन शर्मा और अपने 2 रिलेटिव्स के साथ जब यहाँ पहुंची जी। तो निश्चित तौर पर एक झलाने के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि प्रमोशन भी होता है जब आप सुप्रीम बॉस अगर ब्यूरो कृषि का यहाँ पहुंचता है, अगर नौकरशाही की जो सबसे बड़ी जो पोस्ट पर बैठे हैं अगर उषा शर्मा यहाँ पहुंचे तो निश्चित तौर पर झलाना रेपर्ड रिजर्व को प्रमोशन मिलेगा और वो इतनी अभिभूत नजर आई है जैसे ही वो यहाँ घुसी, जैसे ही वो यहाँ पर आती है झलाना रेपर्ड रिजर्व में सबसे पहले तो उनका स्वागत किया जाता है, उनको जंगल कैंप भेंट की जाती है जिसमें खुद अरिंदम तोमर जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा जो डीसीएम कपिल चंद्रावल मौजूद थे, एसीएफ रघुवीर मीणा, बाला मुर्गर, रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी मौजूद थे, उन्होंने उनको जंगल कैप पहनाई और सबसे बड़ी बात ये रही जैसे ही वो जंगल के अंदर एंटर होती है, जंगल के अंदर वो उनकी जो जिप्सी वहां घुसती है उनको सबसे पहले जलेबी नाम की एक मादा लेपर्ड वो दिखाई देती है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो 1 नंबर रूट के ऊपर जो 3 नंबर वाटर पॉइंट है उसके ऊपर उनको बहादुर नजर आता है, उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो उनको 3रा लेपर्ड नजर आता है। तो पूरे लेपर्ड की साइटिंग से निश्चित तौर पर रोमांचित नजर आई और देखिए अगर कोई मुख्य सचिव अगर राज्य का कहीं अगर किसी लेपर्ड रिजर्व में या किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पहुंचा तो निश्चित तौर पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी उससे प्रमोशन मिलता है और प्रमोशन इस लिहाज से भी कि उन्होंने वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इंटरप्रिटेशन सेंटर उन्होंने इस बात के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज से जब साथ बातचीत हुई थी का उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झालाना लेपर्ड रिजर्व एक मिसाल है कि किस तरह से शहर के बीच में एक जंगल को बनाया जा सकता है और वो भी जंगल मतलब जंगली जानवर जो कहते हैं वन्य जीव और इंसान दोनों के बीच में इस तरह का समन्वय है कि ना तो कभी इस तरह का दृश्य देखने को मिला कि जंगली जानवर ने अटैक कर दिया हो या मानव की तरफ से अगर इंसानों की तरफ से किसी तरह का कोई एनक्रोचमेंट किया हुआ ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के फ्लोरा और फौना को देख करके वो बहुत अभिभूत नजर आई, उन्होंने लेपर्ड की साइटिंग की, उन्होंने यहाँ की जो जो टीम है उसकी पीठ सफाई साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जिस तरह के इंतजाम कर रखे हैं निश्चित तौर पर काबिले तारीफ और इससे वन और वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण सुधार भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज जब उषा शर्मा यहाँ पर आई है तो इसका फायदा झालाना लेपर्ड रिजर्व को मिलेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि झालाना और आमगढ़ के बाद नारगढ़ लेपर्ड रिजर्व एक तीसरे लेपर्ड रिजर्व के तौर पर राजधानी जयपुर में देखने को मिलेगा और दुनिया में। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।